जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। 13 नवंबर साल 2005, हर साल सर्दियों में पूरी दुनिया में मौजूद हिंदू रोशनी के त्योहार दिवाली का उत्सव मनाते हैं। दिवाली रोशनी से भरा 5 दिन का फेस्टिवल है। ये हिंदुओं के लिए उतना ही जरूरी है जितना क्रिश्चियंस के लिए क्रिसमस। हिंदुओं में इस त्योहार की बहुत बड़ी मान्यता है। ये त्योहार अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र की याद में मनाया जाता है, जो हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवताओं में से एक है। लेकिन आखिर ये थे कौन और आज भी इन्हें क्यों पूजा जाता है? हिंदू मानते हैं कि राजा राम वाकई आज से 7000 साल पहले भारत में शासन किया करते थे। माना जाता है राम ने ही भाषा, खुशहाली और फिलॉसफी की नींव रखी थी और उन्होंने ही इंसानों को कई तरह की इंजीनियरिंग स्किल्स से रूबरू करवाया। पौराणिक हिंदू गाथाओं में राम को सच्चाई और मर्यादा का जीता जागता रूप बताया गया है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार वो भगवान विष्णु के अवतार थे जिन्होंने धरती पर जन्म लिया था। हिंदू ग्रंथों के मुताबिक श्री राम 10 सिरों वाले एक राक्षस राजा रावण को युद्ध में हराकर एक शक्तिशाली राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। रावण ने उनकी पत्नी का अपहरण किया था। जब राम अपनी पत्नी की खोज में निकले, जिन्हें रावण उठाकर ले गए थे, तो रावण और राम और उनकी सेना के बीच एक महासंग्राम शुरू हो गया। और महासंग्राम की इस महागाथा में ही जिक्र होता है एक बेहद उन्नत हथियार का। भारी क्षति पहुंचाने वाले इस हथियार से बच पाना नामुमकिन था। हिंदुइज्म में बताया गया ब्रह्मास्त्र सबसे विनाशकारी, सबसे खतरनाक हथियार था और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मा देवता ने खुद ही बनाया था। ये एक ऐसा हथियार था जो इतना पावरफुल था कि जब इसे इस्तेमाल किया जाता तो ये दुश्मन को पूरी तरह जड़ से मिटा देता था और जहां इसे चलाया जाता वहां का पूरा माहौल पूरी तरह से तबाह हो जाता था, कुछ भी नहीं बचता था। सुनने में ऐसा लगता है जैसे ये आज के जमाने का कोई हथियार हो। दरअसल ये सारे लक्षण न्यूक्लियर बॉम्ब से पूरी तरह मिलते हैं। ब्रह्मास्त्र की जैसी व्याख्या प्राचीन भारतीय ग्रंथों में की गई है, क्या वो सच्चाई है? अगर हाँ तो ये हथियार कहां से आया था? क्या ये परमाणु बम जैसा कोई हथियार था जिसे देवताओं ने बनाया था और जिसका इस्तेमाल हजारों साल पहले किया गया था? भारतीय महागाथाओं में हमें यही बताया गया है कि ये टेक्नोलॉजी देवताओं की थी, यानी ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी थी जिसे पृथ्वी पर इस्तेमाल किया गया था या भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता था, जिसका नतीजा होता इंसान नाम की प्रजाति का विनाश, उसका पूरी तरह खात्मा। क्या सचमुच देवता रूपी राजाओं के पास ऐसी घातक न्यूक्लियर पावर थी? अगर ये सच है तो क्या ब्रह्मास्त्र की कहानियां ये साबित करने में मदद करती हैं कि राम और उनके जैसे ही दूसरे प्राचीन राजाओं का रिश्ता अलौकिक शक्तियों से था? सांची भारत, यहां नई दिल्ली से करीब 650 किलोमीटर दूर मौजूद है ये महान स्तूप, यानी गुंबदाकार बौद्ध पवित्र स्थल। इस बेमिसाल ढांचे को ईसा पूर्व 3री सदी में महान सम्राट अशोक ने बनवाया था। अशोक ने ईसा पूर्व 263 में लगभग पूरे भारत पर राज किया था। महान सम्राट अशोक पूरे भारत पर परचम लहराना चाहते थे। सिर्फ एक ही ऐसी जगह थी जिसे वो जीत नहीं पाए थे और आखिरकार उन्होंने उस पर भी धावा बोल दिया। कहा जाता है कि इस लड़ाई में दोनों तरफ के ही हजारों सैनिक मारे गए। जब सम्राट युद्ध के मैदान में पहुंचे तो उन्हें वहां दिल दहला देने वाला खौफनाक मंजर दिखा और इस घटना ने उन्हें बदल दिया और उन्होंने अपना सारा वक्त भगवान बुद्ध के शांति संदेशों को प्रचारित करने में लगा दिया। लेकिन 2री सदी के संस्कृत ग्रंथ अशोक वंदना के अनुसार अशोक के बारे में एक और अनोखी कहानी कही गई है, जिसमें अशोक के निर्दयी योद्धा से
धार्मिक मार्गदर्शक बनने का किस्सा दर्ज है। कुछ लोगों के मुताबिक ये कहानी हमारे दूसरी दुनिया से संबंधों का सबूत है। सम्राट अशोक ने घूमते हुए मॉन्क यानी बौद्ध भिक्षु को बंदी बना लिया था। वो उस आदमी को हांडी में डालकर उसे जिंदा ही उबालना चाहते थे। ऐसा करते ही वो मॉन्क हवा में उठकर तैरने लगा। मौजूदा लोग बताते हैं कि मॉन्क का शरीर आधा आग और आधा बहता हुआ पानी बन गया। सम्राट अशोक इतना हैरान हो गए कि उन्होंने कैदखानों को ही हमेशा के लिए बंद कर दिया। जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो उससे उनका लगाव इतना गहरा हो गया कि उन्होंने स्तूपों का निर्माण शुरू किया। इनमें सबसे अहम है सांची स्तूप। पूरे एशिया में बने दूसरे स्तूपों की तरह अशोक का ये स्मारक भी बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया। तीर्थयात्री स्तूप को देखने आते हैं, यहाँ की एनर्जी और यहाँ के देवताओं का आशीर्वाद लेने। सम्राट अशोक ने पूरे एशिया में स्तूपों और दूसरे ढांचों का निर्माण करवाया, जिनमें उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को गुदवाया है, जिससे पता चलता है कि वो हमेशा से इन पत्थरों की भाषा में बात करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सम्राट अशोक आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? क्या ये मुमकिन है, जैसा कि कुछ शोधकर्ता मानते हैं, कि अशोक को वाकई दूसरी दुनिया के जीवों का साक्षात्कार हुआ था? अगर हाँ, तो क्या ये स्तूप किसी गहरी टेक्नोलॉजिकल चीज को दर्शाते हैं जो शायद इस दुनिया की नहीं बल्कि किसी और दुनिया की थी? जब हम इन स्तूपों की बनावट को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इनकी शेप से किसी और चीज को जाहिर करने की कोशिश की गई है। शायद ये किसी एलियन पायलटेड व्हीकल की नकल है। शायद ये हिंदू गाथाओं में मशहूर विमान से जुड़े हैं। ऐसा माना जाता है विमान बिना आवाज किए हवा में उड़ सकते थे। विमानों का जिक्र हिंदू महाकाव्यों में किया गया है। उनका खास मकसद था देवताओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। देवता ही इनके मालिक थे। देवता अक्सर ही इनका इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में तेजी से सफर करते थे। दरअसल उन लोगों ने पत्थरों में उन्हीं चीजों को बनाया है जिन्हें उन्होंने आसमान में उड़ते हुए देखा था, जो कभी न कभी उनके सामने यहाँ पृथ्वी पर उतरी थी। जब ये चीजें यहाँ से चली गईं, तो उन्होंने पत्थरों में इन्हें जिंदा कर दिया ताकि वो याद रख सके कि ठीक इन्हीं के जैसे दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में देवता यहाँ आए। इसी तरह ज्ञान संहिता के अगले एपिसोड में हम आपके लिए मिस्टीरियस साइंटिफिक और रोचक जानकारी लेकर वापस आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस ज्ञान संहिता के ज्ञान के दीपक को जलाए रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।